Hello, students. Today we are going to take a chapter in history, Jainism and Buddhism. The main course content of this chapter is the sources of Jainism and Buddhism, that is, the Angas, the Tripitikas, and the Jatakas. Just a brief mention about it and causes for their rise in the 6th century BC and the doctrines. So, these are the syllabus that we are going to cover in Jainism and Buddhism. In the 6th century BC, the Aryan settlements expanded to the east, accompanied by rapid socio economic and political changes. Society at some places had traits of tribal political organization, while at some other places, kingdoms were on the rise. Materialism and spiritualism both existed side by side. सो इन दिक्सथ सेंचुरी छठवें शताब्दी बी सी यानी बिफोर क्राइस्ट छठवें शताब्दी में जो आर्यन सेटलमेंट्स था वो और इंडिया के अंदर और बढ़ता गया वो एक्सपैंड होता गया और बहुत जल्दी एक्सपैंड होता गया उसमें सोशो और सोशल और इकनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिले बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिले कि कई कई सोसाइटी जो थे यहाँ पर आ, ट्राइबल पॉलिटिकल थे जैसा पंचायत राज होता ना, है ना जैसे अपने पास सरपंच होते हैं वैसे वह सरपंच के चुनाव करते थे और कहीं कहीं की जगह पर तो राज्य ही था यानी किंगडम्स थे रा, राजशाही परिवार थे एट द सेम टाइम यहाँ पर स्पिरिचुअल और मेटेरिय मटेरियल दोनों थाट्स साइड बाई साइड बना पड़े थे एक प्रकार के जो स्पिरिचुअल थे जो धर्म में विश्वास रखने वाले और दूसरी तरफ जो पैसा इकट्ठा करने वाले तो दोनों जो थे समाज में दोनों प्रकार के लोग पाए जाते थे द पीपल इन द लेटर वैदिक एज बिगैन टू यूज़ इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स मेड ऑफ आयन द आयन टूल्स एनेबल दैम टू क्लियर फॉरेस्ट ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन एंड लीड अ सेटल लाइफ तो लेटर वैदिक पीरियड में हम क्या देखते हैं कि जो लेटर वैदिक एज जो था यहाँ पर लोग जो है वह औजार का इस्तेमाल करने लगे लोहे से बने हुए औजारों का इस्तेमाल करने लगे जिससे क्या होता था कि जंगल को काटने में उनको आसानी होती थी ज़मीन को खेत में तब्दील करने में उन्हें आसानी होती थी द आयन टूल्स एनेबल देम टू क्लियर फॉरेस्ट ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ अब ये पहले की तरह बंजारे नहीं थे पहले की तरह जगह जगह भटकने वाले जिप्सीज नहीं थे वो एक जगह रुककर खेतीबाड़ी करने लगे एज अ रिजल्ट दे वॉज सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रीन्स दिस सरप्लस प्रोडक्शन कुड बी यूटिलाइज बाय द किंग्स टू मीट द मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स तो इसका परिणाम क्या हुआ एक जगह बचने का परिणाम क्या हुआ परिणाम ये हुआ खेती करने की वजह से इनके पास बहुत सारा अनाज बचने लगा अब अनाज जब बचने लगा तो इस अधिक जो अनाज बच जाता था ये इसका उपयोग राजा करते थे राजा अपने मिलिट्री को मेनटेन करने के लिए और अपने ऑफिसर्स को मेंटेन करने के लिए इन अनाजों का इस्तेमाल करते थे इट कुड ऑल्सो बी यूज बाय द पीपल इन द टाउन्स हु स्पेशलाइज्ड इन वेरियस आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। ऑल दिस एडवांटेजेस एनेबल द पीपल टू लीड अ सेटल लाइफ एंड टू एक्सपैंड फर्दर इन नेबरिंग एरियाज तो खेती करने का पॉजिटिव पॉइंट क्या निकला कि राजा को अब अनाज इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी किसान लोग खेती करते थे उनके गोडाउन में लाकर रखते थे अनाज कुछ परसेंटेज किसान जो है वो राजा को एज अ टैक्स दिया करता था राजा के पास भरपूर अनाज था अब वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में और अपने आर्मी में आर्मी को एक्सपैंड करने में कॉन्सेंट्रेट कर सकता था शहरों में जो लोग बसे थे उनको खेती करने की ज़रूरत नहीं थी वो कुछ और व्यवसाय कर सकते थे वो कुछ और बिजनेस कर सकते थे वो कुछ और ट्रेड कर सकते थे जिसमें उनकी खासियत थी जिसमें उनकी रुचि थी वह सब कर सकते थे तो इस प्रकार से जो लेटर वैदिक एज जो हुआ जो सिक्स सेंचुरी बी के बाद का जो टाइम जो दौर था जब आर्यन भारत देश में आकर यहाँ की जो उपजाऊ ज़मीन का सही उपयोग करने लगे उससे इन्हीं समाज का काफ़ी प्रगति होने लगा

कि जब एक समाज दूसरे समाज के इलाके में दखल अंदाजी करेगा तो इन दोनों के बीच में मुठभेड़ होगी जंग होंगी तो दो राजाओं के बीच में या दो गुटों के बीच में लड़ाई होने लगी और जो बड़ा गुट था जो बड़ा राज्य था वो छोटे राज्य को हरा कर उसे अपने राज्य में शामिल कर लिया करता था दीज किंगडम्स व कॉल्ड जन जब एक बड़ा राज्य बन जाता था इस बड़े राज्य को जनपद्स के नाम से जाना जाता था अ नंबर ऑफ जनपद्स ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म बिगर एंड मोर पावरफुल इंडिपेंडेंट किंगडम्स कॉल्ड महाजनपद तो जब जनपद बनता था फिर ऐसे करके जो ये जो राजा जो पावरफुल बन रहा है अपना ता, अपनी ताकत से अपनी आर्मी से वो और बड़े बड़े राजाओं को हरा कर इन सब बड़ों राज्यों का मिलाकर एक बहुत बड़ा राज्य बनाता था और इसे महाजनपद का टाइटल दिया जाता था the 6th century bc is regarded as an important epoch in world history, which saw the emergence of thinkers like zarathustra or Zoro zoroaster in persia, conificus in china, and mahavir or gautam buddha, among many others in india. in india, it was a period when orthodox religious beliefs and practices were challenged and even rejected. बाई द न्यू सेक्ट्स ऑफ दी सेक्ट्स जैनिज़्म एंड बुद्ध्मर्ज एज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिलीजस रिफॉर्म मोमेंट्स तो जो सिक्स सेंचुरी बी सी है ना केवल एक पोलिटिकल uh, एक्सपेंशन देखने लगी यहाँ पर एक रिलीजियस थिंकर्स का भी एक नया दौर था जैसा जोरास्टर परसिया में से जो जु, जोरेस्टर था या जरा जराउस्तरा हम इसे कह ये भी नाम से जानते हैं या कॉनिफिकस जो चाइना से थे और महावीर और गौतम बुद्ध अपने खुद के देश में थे ये ऐसे रिलीजियस थिंकर्स ऐसे रिलीजियस लीडर्स इनका भी यहाँ पर जन्म होने लगा इनके ऑर्थोडॉक्स बिलीफ्स और प्रैक्टिस को अब लोग चैलेंज करने लगे या उसे एक्सेप्ट करने लगे उसको रिजेक्ट करने लगे तो जो पुराने जो परंपरा थी जो पुराना जो धर्म था उसके ऊपर सवालिया निशान उठने लगा पुराने थिंकर्स को पुराने जो ख्याल थे पुराना जो रिलीजन था उसको छोड़कर लोग नए नए रिलीजन की तरफ जैसे जैनिज्म और और जो बुद्धिज़म की तरफ वो आकर्षित होने लगे तो ऑफ दीज सेक्ट्स जैनिज़्म एंड बुद्धिज्म एमर्ज एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन सब में से जो सबसे ज़्यादा रिफॉर्म मूवमेंट जो ज़्यादा कारगर रिफॉर्म मूवमेंट जो ज़्यादा अच्छा रिफॉर्म मूवमेंट था या ज़्यादा पॉपुलर रिफॉर्म मूवमेंट था वो था बुद्धिज़्म और जैनिज़्म आज भी हम देखते हैं कि वर्ल्ड का जो थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन जो है वो बुद्धिस्ट है बुद्धिस्ट रिलीजन है तो इनके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है ये इतिहासकार ये हिस्टोरियंस इसके बारे में लिखते कैसे उनको इसके बारे में पता कैसा चलता है तो इसके अलग अलग स्रोत्र होते हैं जिसे हम इंग्लिश में सोर्स कहते हैं द थ्री इम्पोर्टेंट सोर्सेस विच प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म आर द फॉलोइंग द दंगाज़ Jain scriptures are popularly known as Angamas, that is, what comes out of the mouth of the Lord. It is generally accepted that whatever Lord Mahavira taught after gaining omniscience was compiled by his disciples in 12 parts called Angas. Sanskrit word, 4 parts. These Angas are collectively known as Sanghi. The foremost of these Angas is Acharang Sutra. Another well known Anga is the Vyakhya Pragnapati, which is more popularly known as Bhagavati Sutra. While the former deals with the code of conduct, which is a Jain monk is required to follow, the latter expounds the Jain doctrines in a comprehensive manner. Based on these Angas, the seers also compiled 12 auxiliary works that come to be known as. उप तो ये जैन का जो पॉपुलर स्क्रिप्चर्स है जो अंगा जो अंग, अंगा जो है इसको पॉपुलरली ये खास करके इंडिया में इसे अंगमास के नाम से जाना जाता है अंग मतलब एक भाग हिस्सा तो ये जो अंगाज था ये लॉर्ड महावीर लॉर्ड महावीर के मुख से निकली हुई जो प्रवचन थी जो विचार थे तो लॉर्ड महावीर के जो भक्त थे इन्हें बारह ऐसे अंग अंगा, अंग में बारह ऐसे हिस्सों में इसे अलग करके और और उसको दुनिया के सामने पेश किया जिसमें से सबसे प्रमुख अंग था वो था व्याख्या प्रज्ञापति प्रज्ञापति क्या विच इज मोर पॉपुलर नोन एज द भागवती सूत्र सबसे इंपॉर्टेंट जो था उसमें भागवती सूत्र था और ये जो है कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में है जैन के बारे जैन का जो कोड ऑफ कंडक्ट है जैन के जो मुनि होते जो ऋषि मुनि होते जो साधु जो होते जैन जैन समाज के उनके बारे में उनको किस प्रकार से रहन सहन करना है क्या खान खाना है क्या पहनना है, है क्या नहीं पहनना है इसके बारे में उनको जानकारी देते हैं और फिर दूसरा जो है वो जैन डॉक्टर के बारे में जैन की जो खास जो विचार है महावीर के जो विचार है उसको इसमें पेश किया था तो बेस्ड ऑन दिस अंगाज द सी इज ऑल्सो 12 ट्वेल्व अंगाज़ इसके आधार पर जो साधु सन्यासी थे जो जैन साधु सन्यासी थे उन्हें और बारह ऑक्जेलरी अंगाज़ इसको एड आड, एडिशन अंगाज को उन्होंने कंपाइल किया इसे कहते हैं उपंगाज इट इज सेट दैट these angas and upangas were नॉट written फॉर a लॉन्ग टाइम दे वे orally passed ऑन by द religious लीडर्स टू their pupils ऐसा कहा जाता है कि जो अंगाज और उपंगाज थे बहुत समय तक का इसे लिखा नहीं गया था केवल uh, मुँह जबानी इसे अपने डिसाइपल्स को अपने शिष्य को इसके बारे में जानकारी दे देती गई अकॉर्डिंग टू फेमस हिस्टोरियन आर सी मजुमदार टूवर्स द क्लोज ऑफ द फोर्थ सेंचुरी बी सी ऑफ ए माइन इन साउथ बिहार लेड टू द एग्डस ऑफ एन इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ द जैनस हैडेड बाई ब्र भाऊ टू साउथ इंडिया तो हिस्टोरियंस का मानना है खास करके जो आर सी मजूमदार ये बहुत ही फेमस हिस्टोर हिस्टोरियन हैं जो काफ़ी हिस्ट्री की किताब और हिस्ट्री के बारे में जानकारी रखते हैं उनका मानना है कि जब फोर्थ सेंचुरी बी सी चौथे शताब्दी में बिफोर क्राइस्ट के चौथे शताब्दी में तो बिहार में एक बहुत बड़ा अकाल आया था सूखा आया था जिसकी वजह से बहुत सारे जैन जो है वो अपना घर बार छोड़कर, बिहार छोड़कर वो साउथ इंडिया की तरफ माइग्रेट होने लगे यानी इंडिया इंडिया के जो सदन हिस्सा है महाराष्ट्र से जो नीचे का जो हिस्सा है वहाँ पर वो माइग्रेट होने लगे इनमें से जो प्रमुख था भद्र ये जो है ये प्रमुख थे ये साउथ इंडिया को माइग्रेट हो गए दोज दैट रिमेन बिहाइंड इन पटलीपुत्र कॉल फॉर अ काउंसिल इन ऑर्डर टू रिवाइव द नॉलेज ऑफ द अंगाज द रिजल्ट वॉज द कंप्लीशन ऑफ द ट्वेल्व अंगाज एट अनदर काउंसिल हेल्ड एट वल्लभ ही इन गुजरात इन द फिफ्थ एंड सिक्स सेंचुरी ए डी अ फाइनल कलेक्शन ऑफ द स्क्रिप्चर्स वॉज मेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन अर्धमगड़ी प्राकृत लैंग्वेज तो पाटलीपुत्र में जो काउंसिल हुआ था तो पाटलिपुत्र में पाटलिपुत्र में एक काउंसिल मतलब एक एक बैठक हुई थी सब जैन मुनियों की जैन ऋषियों की और उनका मेन मकसद था कि अंगास के नॉलेज को किस प्रकार से बढ़ाया जाए किस प्रकार से उसको सुरक्षित रखा जाए तो इसका परिणाम क्या हुआ कि ये एक कंप्लीशन एक, एक, एक बारह अंगों की एक कंपाइल्ड किताब बनकर निकली और एक और एक जगह पर काउंसिल बैठी थी वहाँ पर वल्लभी नाम पर गुजरात में गुजरात में वल्लभी में फिफ्थ और या सिक्स सेंचुरी में एक बैठक हुई थी ए में यानी आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट यानी एनोडोमिनी ड्यूरिंग द क्रिश्चियन इरा क्राइस्ट ईरा तो यहाँ पर जो है uh, एक और बैठक हुई थी वल्लभी में गुजरात ये यहाँ पर फाइनल जो कलेक्शन था स्क्रिप्चर्स का पहली बार इसे अर्धमगड़ी में और प्राकृत लैंग्वेज में इसको लिखा गया और इसको रिकॉर्ड किया गया द अंगाज आर रिकॉर्डेड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ जैन डॉक्टर अंगाज़ जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जैन डॉक्टर के दे डिस्कस रिलीजियस राइट्स स्टेजेस ऑफ हाउस होल्डर्स लाइफ द वाउज ऑफ चिस्टी रूल्स ऑफ कंडक्ट एंड अदर फीचर्स ऑफ जैन फिलासफ़ी तो अंगाज़ क्या है अंगाज़ जैन फिलासफ़ी है कि किस प्रकार से एक जैन नागरिक नागर अगर अपने जैन का धर्म अपना लिया या आप कोई जैन को जानते होंगे तो आप देखते हैं उनके रहन सहन से और उनके खान पीन से आप समझ सकते हैं कि ये बाक़ी हमारे जो भारतवासी उनसे थोड़ा बहुत अलग है इनका रहना सह रहन सहन से, और उनका खान पीन का जो तरीका थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये उनके डॉक्ट्रीज में है उनके जो रिलीजियस राइट्स इसमें डिस्कस किया गया था कि किस कौन से स्टेज पर जो एक हाउस होल्डर को क्या करना है और क्या प्रॉमिस लेना है क्या वाउस लेने हैं क्या वचन लेने हैं अपने अपने प्रति वचनबद्ध हो जाते हो और किस प्रकार से अपने आप को कंडक्ट करना है ये सब जो है जैन फिलॉसफी जो है इन सब अंगाओं अंगा अंगाओं में आपको मिलती है फिर अब चलते हैं सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट किस किस बात पर अपन चल रहे हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द सोर्स ऑफ हिस्ट्री जो दूसरा सोर्स है जहाँ से हमें जैन्स के बारे में मिलता है तो पहला जो जैन्स के बारे में हमको जानकारी कौन देती है पहली जानकारी हमें देती है अंगाज़ अंगाज से हमें जानकारी मिलती है उसी प्रकार से हमें त्रिपितिकाज त्रिपितिका से भी हमें जैनों के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलती है हमारे जैन मुनि के बारे में महावीर के बारे में और बी और ए जो बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट का जो जैन का जो सम्मेलन था उसके बारे में त्रिपितिका से हमें बहुत बहुत सारी जानकारी मिलती है त्रिपितिकाज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटररी वर्क्स ऑफ द बुद्धिस्ट द वर्ड त्रिपितिकाज मीन्स थ्री बास्केट्स तो ये कलेक्शन करता हूँ मैं यहाँ पर जैनस के बारे में त्रिपितिकाज जो है वह हमें बुद्धिस्ट के बारे में जानकारी देती है ठीक है मैं मैं कलेक्शन कर रहा हूँ त्रिपितिकास जो है ये बुद्धिस्ट के बारे में जानकारी देती है अंगाज जो है ये जैन्स के बारे में जानकारी देती है Tripitikas are the most important literary work of the Buddhists. The word Tripitikas means three baskets of Buddhist canon. The earliest writing of these texts were taken on long narrowed leaves, sewn together on one side and bound in bunches, then stored in baskets. Therefore, they were called as the three baskets. So, what is Buddhist canon? बुद्धिस्ट कैनन मीन्स जहाँ से बुद्धिस्ट डॉक्ट्रींस uh, जो होती है बुद्धिस्ट का जो डॉक्टरिन होता है जो बुद्धिस्ट के लाइफ uh, के बारे में बुद्धिस्ट के रिलीजियस एस्पेक्ट्स के बारे में जिसे कहते हैं एक बुद्धिस्ट लॉ को बुद्धिस्ट कैनन्स कहते हैं तो त्रिपितिका क्या है त्रिपितिका जो है पहले लंबे लंबे पत्तों पर लिखे लिखा गया था लंबे पत्तों पर पन्नों पर जो पत्तियाँ होती हैं उसको पर लिख कर एक तरफ से उसको धागे से सील कर और उसे बास्केट में रखा गया इसलिए इसे त्रिपितिकास का नाम दिया गया दीज वर्क रिटन इन पाली लैंग्वेज इंक्लूड द फॉलोइंग द विनाया पितिका द विनाया पितिका डील्स विद द रूल्स एंड रेगुलेशन विच बुद्धा प्रोमोलगेटेड फॉर द मंग्स दे आर मंग्सो कॉल्ड एज द एंड द नन्स निकुनीस इट ऑल्सो गिव्स एन अकाउंट ऑफ द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ बुद्धा एज वेल एज सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एंशंट इंडियन हिस्ट्री कस्टम्स एंड आर्ट्स ऑफ द पीरियड तो विनाया पतिका में हमें क्या मिलता है विनाया पतिका हमें रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताते हैं जो बुद्धा ने अपने मोंग्स को अपने भिक्कूस को और जो भिकुनीस थे उनको जो दिया था और यहाँ से हमें क्या मिलता है कि किस प्रकार से जो बुद्धा का जो टीचिंग्स था खास करके जो एंशेंट हिस्ट्री के बारे में बुद्धिस्ट कस्टम्स के बारे में आर्ट्स ऑफ द पीरियड तो बुद्धा के जमाने जो बुद्धा जब पहले ही वजह था, सिद्धार्थ था, तो उसके ज़माने के इतिहास के बारे में कस्टम्स के बारे में आर्ट्स के बारे में हमको इस किताब से इस विनाया पितिका से हमको जानकारी मिल जाती है फिर त्रिपितिकाज में से दूसरा जो हिस्सा है वो सूता पितिका द सुता पितिका कंप्राइजेज द डिस्कोर्सेज ऑफ बुद्धा ऑन वेरियस ओकेजन्स इट ऑल्सो हैज डिस्कोर्सेज बाई समाइपल्स

अलग अलग ओकेजन पे अलग अलग अ, समय पर जो भी नॉलेज लॉर्ड गौतम बुद्धा ने अपने शिष्यों को दिया ये सूता पितिका में आपको मिलेंगे और इसमें और भी क्या है जो डिस्कोर्सेस है जो अ, प्रश्न विचार है जो डिसाइपल्स के मन में कोई शंकाएँ उठती होगी और जो उनकी डाउट्स जो बुद्धा क्लियर करते हैं वो इसी में आपको मिल जाता है सचा सारी पुता आनंद एंड अदर्स तो ये uh, इनके भी जो जो डिसाइपल्स के जो विचार है इसमें शामिल हैं द धमा पदा दैट इज नोन एज द वे ऑफ द ट्रुथ इज एन इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ दिस पतिका द अभिधमा पतिका पितिका अभिधमा पितिका डील्स विद बुद्धिस्ट फिलोसफी इट डिस्क्राइब्स थिंग्स लाइक द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन्स द वर्किंग ऑफ़ द ह्यूमन माइंड एंड द स्टेट ऑफ मैटर तो अभीधाम पितिका में क्या फिलॉसफी है बुद्धिस्ट फिलॉसफी है जो डिस्क्राइब करती है कि जो इट डिस्क्राइब्स थिंग्स लाइक वर्किंग ऑफ ह्यूमन माइंड एंड द स्टेट ऑफ मैटर कि हमारा दिमाग किस प्रकार से चलता है और क्यों चलता है हाँ और जो स्टेट ऑफ मैटर है जो ये है तो ऐसा क्यों है और नहीं है तो ऐसा क्यों है ये सब आपको अभिन अभिधा धर्म में अभिधाम में आपको ये सब मिल जाएगा बिसाइड्स बींग द मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट बुद्धिस्ट रिलीजन एंड द फिलोसफी द्रिपितिकाज प्रोवाइड अ ग्लिम्सिस ऑफ द सोशल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल लाइफ ऑफ द एज ऑफ बुद्धा तो ये जो त्रिपितिकाज है तो थ्री बास्केट्स है ये हमें बहुत ज्ञान देते हैं हमें बुद्धिस्ट की फिलासफी बुद्धिस रिलिजन के बारे में हमें बताते हैं और इसके अलावा हमें उस जमाने के जो सोशल कंडीशन था इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ थी उसके बारे में बहुत जानकारी हमको देते हैं अगला एक और एक सोर्स बन जाता है नॉलेज का वो है जताकाज जताकाज रिफर टू तो द टेल्स विच डिस्क्राइब द प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा इन बोथ ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म जताका द जटा टेल्स अगर आप पढ़ोगे तो बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में क्योंकि ये न्यान से भरा हुआ है ये बहुत नॉलेजेबल किताब है मैंने पढ़ी है बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में जटा टेल्स इसमें बुद्धा के जन्म के बारे में बुद्धा बार बार जन्म लेते हैं कभी वाइट एलिफेंट एरावत द वाइट एलिफेंट के रूप में कभी कपिला वस्तु एक बंदर के रूप में तो कभी एक प्रीस्ट के रूप में कभी व्यापारी के रूप में कभी राजा के रूप में कभी भिक्षु के रूप में कभी कभी सन्यासी के रूप में अलग अलग रूप में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है और इस जताका टेल्स में आपको इनके बारे में दिया जाएगा और इसमें नॉलेज बहुत मिलता है भले आप कोई भी रिलीजन को क्यों ना हो अगर आप नॉलेज के प्यासे हो अगर आपको ज्ञान का प्यास है तो आप जताकास पढ़िए आपको इसमें बहुत ज्ञान मिलेगा जताकाज रिफर टू दिच डिस्क्राइब द प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा इन बोथ ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म ईच ट बाई नोटिंग द ओकेजन दैट प्रोमटेड इट्स टेलिंग एंड एंड विद द बुद्ध आइडेंटिफाइंग द लाइफ ऑफ द पीपल इन द इंट्रोडक्टरीव स्टोरी विद सच पीपल फ्रॉम द पास्ट तो हर कहानी जो हर की शुरुआत कैसी होती है कि बुद्धा जो है कहानी बताते हैं इच टेल बिगिनस बाई नोटिंग द ओकेजन दैट प्रोटिंग प्रॉम्पटेड इट्स टेलिंग एंड एंड विद द बुद्धा आइडेंटिफाइंग द लाइफ ऑफ़ द पीपल इन द इंट्रोडक्टरी स्टोरी विद सच पीपल फ्रॉम दर पास्ट तो कहानी की शुरुआत क्यों होती है अगर जता का टेल्स है उदाहरण के तौर पे एक बहुत ही बुद्धिमान ब्राह्मण रहा करता था और वह उसका एक कुटिया था उसके कुटिया के सामने में एक पूल था जहाँ पर लोग आके स्नान करते थे ऐसे एक पूल पर ऐसे एक छोटे से तालाब पर एक औरत स्नान करने आई उसके पास एक छोटा सा बालक था उस छोटे से बालक को उसने रेत पे एक चादर बिछाई और उसके वहाँ पर रख दिया और जब ये औरत नहा रही थी उतने में एक यक्षिणी आ गई यक्षिणी एक सुपर नेचुरल बींग होती है एक जादुई शक्ति वाली शक्ति होती है जो कोई भी रूप धारण कर सकती है तो यक्षिणी ने एक औरत का रूप धारण कर लिया और वो इस बच्चे के पास आ गई उसको बच्चा बहुत पसंद आया तो उसने उस औरत से कहा क्या मैं तुम्हारे बच्चे से खेल के साथ खेल सकती हूँ क्या और जब उस औरत ने बोला ठीक है आप खेलो तो वो यक्षिणी यक्षिणी क्या करती है वो बच्चे को उठाकर भागने भागना चालू करती है तो ये औरत चिल्लाती है दौड़ती है पकड़ ले उस यक्षिणी को पकड़ लेती है और दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है यक्षनी कहता है कि ये मेरा बच्चा है और औरत कहती है कि ये मेरा बच्चा है अब ये आवाज़ सुन के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वो जो ब्राह्मण है वो भी बाहर आ जाते हैं तो ब्राह्मण पूछते कि प्रॉब्लम क्या है तो यक्षनी कहती है कि देखो ना ये बच्चा मेरा है ये औरत मुझसे बच्चा मांग रही है औरत कहती है नहीं ये बच्चा मेरा है मैं जब नहा रही थी तो ये ये औरत ने मुझसे बच्चे को लेने के खेलने की परमिशन मांगी मैंने परमिशन क्या दी ये तो बच्चा ही लेकर भाग रही है तो ब्राह्मण ने कहा अगर आप मेरी बात मानते हो कि ब्राह्मण बहुत ही विद्वान थे ब्राह्मण ने कहा अगर आप मेरी बात मानते हो तो अच्छे तो मैं इसका सुझाव निकाल सकता हूँ तो दोनों ने बोला ठीक है हम आपकी बात मानेंगे बताइए क्या क्या सुझाव है तो वो कह वो कहता है कि एक काम करते हैं बच्चे को एक उसने एक सर्कल ड्रॉ किया जमीन में रेती में एक सर्कल बनाया और बच्चे को बीच में रख दिया उसने कहा ठीक है माँ से कहा तुम बच्चों के पैर पकड़ लो और यक्षिणी से कहा तो बच्चे के हाथ पकड़ लो और दोनों अपनी तरफ घीचो जो घीचेगा वह इसका इस बच्चे का माँ माँ कहलाएगा तो दोनों खींचने लगे तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे बच्चे के ऊपर क्या बीती होगी एक उसका पैर पकड़कर खींच रहा है दूसरा उसका हाथ पकड़कर खींच रहा है तो माँ से बर्दाश्त नहीं हो जब बच्चा चीखने चिल्लाने लगा दर्द में बिलकने लगा चीखने लगा तो माँ ने तुरंत ही बच्चे को छोड़ दिया यक्षनी बड़ी खुश हो गई और वो बच्चे को लेकर जाने लगी तो पंडित जी ने रोके बोले रुको निर्णय मैं नहीं करूँगा जो लोग बैठे हैं यहाँ पर जो लोग खड़े वो निर्णय करेंगे लोगों से पूछा कि बताइए इनमें से असली माँ कौन है वो औरत माँ है या ये ये माँ है तो सभी ने बचाया जिसने बच्चे को छोड़ दिया जब बच्चा रो रहा था वही असली माँ है इस प्रकार से बुद्धा ने देखो किस प्रकार से एक सोल्यूशन के के एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन पर आए हैं तो जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती थी तो बुद्धा जो है वो डिस्कोर्स करते वो बता कर कहानी बताकर बताकर ये सॉल्व करते थे तो ये इस प्रकार से जो जटाका जो है ये जो टेल्स जो है शुरुआत से एंड तक का बताते हैं और उस उसका समाधान निकालते हैं

तिब्बत के जो महागुरु है बुद्धिस्ट के महागुरु है तो बुद्धा जो है कभी कभी जानवर के रूप में पैदा हो जाते हैं कभी राजा के रूप में पैदा हो जाते हैं कभी शुद्र के रूप में तो कभी वैश्य के रूप में अलग अलग रूप में ये जन्म लेते हैं लेकिन एक बात तो रहती है कि उनमें बुद्धा की जो बुद्धि है वो झलकती है मैनी जटाका टेल्स हैव पैरल्स इन महाभारत एंड एल्स इन नॉन बुद्धिस्ट लिटरेचर the jataka stories have also been illustrated frequently in sculptures and paintings throughout the buddhist world according to a k walder the jatakas are a precursor to various legendary biographies of the buddha which were composed at later dates although many jatakas were written from early period which describes previous lives of the buddha वेरी लिटिल बायोग्राफिकल मटीरियल अबाउट गौतम ओन लाइफ हैज़ बिन रिकॉर्डेड हाउ एवर द जताकास्ट थ्रो सिग्निफिकेंट लाइट ऑन द पोलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ पीपल फ्रॉम द फिफ्थ टू द सेकेंड सेंचुरी बी सी दे ऑल्सो रिफ्लेक्ट बुद्धिस्ट मोरल्स मॉरल्स एथिक्स एंड प्रिंसिपल तो जताकाज में आपको क्या मिलेगा जतापक जता एक्चुअली जताकाश के बारे में ज, के बहुत सारी कहानियां जो है वो पैरेलली महाभारत में और अद, और अल, अलग अलग नॉन बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी आपको जताका के बारे में जानकारियां मिल जाती है तो जताका स्टोरीज क्या है ये एक प्रकार का इलस्ट्रेशन है स्कल्पचर्स में इलस्ट्रेट किया गया है पिक्चर्स में इलेस्ट्रेट किया गया यानी इसको उतारा गया है या तो मूर्ति के रूप में उतारा गया है या तो डिज़ाइन के रूप में या पेंटिंग्स के रूप में उसे उतारा गया कहीं केव्स के म्यूरल्स पे आपको मिलेंगे गुफाओं में इनकी पेंटिंग्स मिल जाएगी या किसी आ, पुराने महलों में इसके इसके म्यूरल्स मिल जाएंगे तो एक ही वॉर्डर जो है ये एक और एक आ, हिस्ट, हिस्टोरियन है इनका कहना है कि जदाकस जो है ना ये लेजेंडरी बायोग्राफीज़ है बुद्धास के जो लेजेंडरी बायोग्राफी बु, बुद्धा की जो कहानियाँ जो है ये उस वही वही जताकाज है ये बाद में इसको कंपोज किया गया है बुद्धा के जाने के बाद में इसको एक किताब में जताका टेल्स के किताब में इसको उतारा गया है तो जताका शायद पहले लिखा गया होगा ऑल दो मैनी जताकाज व रिटर्न फ्रॉम अर्ली पीरियड विच डिस्क्राइब प्रीवियस लाइफ ऑफ़ द बुद्धा तो कई जथाकज ऐसे लिखे गए कि जो सिद्धार्थ जो बुद्धा बुद्धा बने उससे पहले के बारे में भी इसमें आपको जानकारी मिल जाएगी जताकज में वेरी लिटिल बायोग्राफिकल मटेरियल अबाउट गौतम ओन लाइफ हैज़ बिन रिकॉर्डेड तो इसमें गौतम बुद्धा के बारे में बहुत कम जानकारी दी गई है जताका टेल्स में हावेवर दताकर्स थ्रो सिग्निफिकेंट लाइट ऑन द पोलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ द पीपल फ्रॉम द फिफ्थ टू द सेकेंड सेंचुरी बी सी लेकिन जताकज़ में हमको इंडिया के बारे में एंशंट इंडिया के बारे में पांचवें शताब्दी से लेकर दूसरे शताब्दी के शताब्दी टू हंड्रेड जो ये बी है बिफोर क्राइस्ट सेकेंड सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट तक का हमको इसमें जानकारी मिल जाती है दे ऑल्सो रिफ्लेक्ट बुद्धिस्ट मॉरल्स एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स तो इसमें बुद्धिस्ट ने किस प्रकार का जिंदगी जीना है उनके एथिक्स क्या है उनके प्रिंसिपल्स क्या है उनके मॉरल्स क्या है इसके बारे में भी हमको काफी जानकारी मिल जाती है कॉज फॉर दे राइज ऑफ़ जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म जैनिज्म और बुद्धिज़्म प्रकार से जो आर्यनस थे उसके साथ में किस प्रकार से लिंक हो रहा है हमने चैप्टर स्टार्ट किया है आर्यन से जो आर्यन जो थे जो जो लेटेस्ट जो जो सबसे पहले जो इंडिया में सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए इंडिया में प्रवेश किए फिर लेटर वैदिक पीरियड आया वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में आए तो अब जैनिज्म और बुद्धिज्म यहाँ पर कैसा पन अपने चालू हुआ हर चीज़ की एक सीमा होती है हर चीज़ का एक बर्दाश्त होता है जब कुछ चीज़ बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तब होती है बगावत और बगावत होने के लिए चाहिए अपने पास में एक नई सोच तो एक जो जो नया धर्म जो आया है जैनिज्म और बुद्धिज्म का ये हिंदुज़म में से ही निकला हुआ एक धर्म है जो आर्यनस थे उन्होंने हिंदुज़म का आ, उन उनके उनके समय में हिंदुज़म का प्रैक्टिस काफ़ी प्रोमिनेंट हुआ हिंदुज़म शुरुआत किसने की इसके बारे में जानकारी किसी के पास नहीं है ये सदैव से यहाँ पर हिंदुज़म था लेकिन जैनिज़्म और बुद्धिज़्म जो है ये हिंदुज़म में से निकला हुआ दो नए धर्म हैं ये दो नए धर्म क्यों निकले हैं और कैसे निकले हैं द फॉलोइंग फैक्टर्स फेवर्ड द राइज़ ऑफ़ द ग्रोथ ऑफ़ जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म रिएक्शन अगेंस्ट रिचुअलिज्म जो हिंदू धर्म था शुरुआत में बहुत ही सिंपल धर्म था उसकी जो पूजा पाठ करने का जो तरीका था बहुत ही सिंपल था जो भगवान जो हुआ करते थे वो प्रकृति में पाए जाते थे अग्निदेव वायुदेव और समुद्र देव अलग अलग प्रकार के जो देव थे जो नेचर में जो पाए जाते थे उन्हीं उन्हीं को वो वर्शिप करते थे और इनका वर्शिप सिस्टम ही बहुत सिंपल था घर के बाहर एक छोटा सा अग्नि लगाओ और उसमें पूजा पाठ करो तो हर कोई पहले पूजा पाठ कर सकता था फिर बाद में कॉम्प्लिकेशंस आ गए नए नए गॉड्स इंट्रोड्यूस हो गए विष्णु ब्रह्मा महेश गणेश ऐसे बहुत सारे गॉड्स को इंट्रोड्यूस किया गया जिसकी वजह से उनकी उनकी जो पूजा करने का जो तरीका था वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो लोगों के समझ से बाहर होने लगा लोगों को पुजारियों के ऊपर निर्भर रहना पड़ा पुजारी अपना अपने जो आ, जो भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो उनके सामने रखते थे किसी को पढ़ता था किसी को नहीं पढ़ता था जिसको नहीं पढ़ता था वो उन्होंने हिंदू धर्म से विद्रोह करके एक नया धर्म अपनाना चालू कर दिया और तो वो था जैनिज्म और बुद्धिज़म द फॉलोइंग फैक्टर्स फेवर्ड द राइज ऑफ ग्रोथ ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म रिएक्शन अगेंस्ट रिचुअलिज्म रिलीजियस सेरेमनीज बाय देन हैड बिकम वेरी एक्सपेंसिव बियॉन्ड द मीन्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल सम प्रीस्ट हार्डली रियलाइज द सफरिंग्स ऑफ द कॉमन मैन दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट कॉज दैट गेव राइज टू फेथ्स दैट वर सिंपलीट वर सिंपल एंड इन एक्सपेंसिव तो क्योंकि पूजा पाठ बहुत ही खर्चीला हो गया था तूप लाओ घी लाओ चंदन की लकड़ी लाओ छत्तीस भोग चढ़ाओ छप्पन भोग चढ़ाओ अलग अलग जगह से इतने ब्राह्मण्स को बुलाओ इनको दान दक्षिणा दो तो कॉमन मैन के रिच के बाहर हो गया था पूजा पाठ करना तो कुछ लोग को लगा कि जो प्रिय जो है ये इन गरीबों के बारे में इनके इन पर क्या बीत रही है पूजा करने के लिए उनको इतना कुछ सामग्री कहाँ से लेकर आएंगे इसके बारे में उनको काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी तो ये तकलीफ व प्रिय समझ नहीं पाए पंडित समझ नहीं पाए जिसके वजह से नया धर्म का जन्म हुआ दूसरे कारण एक और एक कारण था सेकेंड रीज़न वाई न्यू रिलीजन वॉज फॉर्म इज करप्शन इन रिलीजन रिलीजन में भी भ्रष्टाचार धर्म में भी भ्रष्टाचार करप्शन क्रैप्ट इनटू रिलीजियस प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट मनी द प्रीस्ट एनकरेज ऑर्डनरी पीपल टू परफॉर्म येजनाज़

इतना लालची हो गया था कि वो यज्ञ यज्ञ के बहाने बहुत खर्चीले यज्ञ कराने लगा इतने खर्चीले कि जो क्षत्रिय था वह भी इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कॉमन कॉमन इंसान की तो बात ही छोड़ दो तो बहुत ज़्यादा खर्चीले होने की वजह से जो हाउस होल्ड के जो राइट्स थे किसी का विवाह करना है या घर में किसी की किसी का देहांत हो गया कोई गुजर जाता है तो उसके बारे में पूजा पाठ जब रखते थे तो उसके लिए यज्ञ करना पड़ता था जो भी यज्ञ तो बहुत खर्चीला हो गया था तो इसको बॉयकऑट करने के लिए देखो जैनिज्म और बुद्धिज़्म ये दोनों जो रिलीजन हैं वो क्षत्रिय में से ही उभरे हुए क्षत्रिय राजकुमार जो थे उन राजकुमारों ने जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का निर्माण किया तीसरा कारण था रिजिट कास्ट सिस्टम बहुत ही रिजिट बहुत ही यानी ये फ्लेक्सिबल था ही नहीं लोगों के अनुसार नहीं चलने वाला धर्म था द डिविजन ऑफ सोसाइटी इन द इंटू ब्राह्मण क्षत्रियज वैश्यर्स एंड शुद्रज रिजिड इट डिड नॉट अलाउ एनी सोशल मोबिलिटी अ पर्सन ऑफ वन कास्ट कुड नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ द अदर कास्ट वर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द बेस ऑफ कास्ट ऑन फूड ड्रिंक्स एंड मैरिज इंटरचेंज ऑफ कास्ट वॉज इम्पॉसिबल अर्ली वैदिक पीरियड में आप अपना प्रोफेशन चूज़ कर सकते थे कोई प्रीस बनना चाहता था वो प्रीस बन सकता था अगर नॉलेज है तो प्रीस बन सकता था वो राजा बन सकता था उसमें अगर वो उतना शौर्य है उतना वीरता है तो राजा बनने के लायक है तो राजा बन सकता था वो कोई भी काम कर सकता था लेकिन जैसे जैसा समाज और जैसे जैसा समय बीतता गया तो ये कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड बन गया बहुत फर्म बन गया अब आप आपका रिलीजन आप आपका कास्ट चेंज नहीं कर सकते थे आप इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर सकते थे क्या खाना है क्या पीना है क्या पहना है पहनना है आपको ये सब आपको अपने धर्म के अनुसार करना पड़ता था तो ये एक रिजिडिटी भी इसका एक मेन कारण बन गया जिसकी वजह से नया धर्म जैनिज़म और इनका उत्पान हुआ फिर डिफ़िकल्ट लैंग्वेज ये चौथा कारण था संस्कृत वॉज कंसिडर्ड अ सीक्रेट लैंग्वेज मोस्ट ऑफ़ द वैदिक लिटरेचर वॉज कम्पोज इन संस्कृत द प्रीस्टली क्लास गिव डिस्कोर्स एंड चार्टेड मंत्र इन दिस लैंग्वेज विच द कॉमन पीपल फाउंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड देयर फॉर मैनी पीपल बिगेन टू लुक फॉर फॉर एन एनऑल्टरनेटिव रिलीजन दैट दे कुड अंडरस्टैंड बेटर तो संस्कृत भाषा में जो हिंदू धर्म जो था वो मेनली संस्कृत भाषा में लिखा गया था और जो कॉमन लोग थे उस वक़्त जो मैथिली लैंग्वेज और प्राकृत लैंग्वेज ये कॉमन लैंग्वेज थी हिंदी नहीं था उस वक़्त जैसे अपन आज हिंदी बोलते ना वैसे हिंदी नहीं थी ये हिंदी काफ़ी लेट आई है तो संस्कृत भाषा में मोस्टली जो श्लोक्स वगैरह जो लिखे थे जो पूजा पाठ का जो आ, मंत्र लिखे थे वो संस्कृत में लिखा था और जो पृष्ठ था जो साधु महाराज थे वो संस्कृत लैंग्वेज में ही अपने लोगों को समझाया करते थे और कॉमन लोग को समझने में थोड़ी कठिनाई जाती थी तो लोग इसका ऑल्टरनेटिव इसके उपाय ढूंढने लगे इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है वो ढूंढने लगे नए नए धर्म का शोध करने लगे और जिसे वो समझ सके जिसे वो अपनी भाषा में समझ सके ऐसी जानकारी ढूंढने की कोशिश करने लगे तो ये चौथा कारण बन गया जैनिज़्म का और बुद्धिज़्म का इंडिया में जन्म लेना उसका पांचवा कारण था पॉलिटिकल सिचुएशन उस समय के पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी इन द दिक्स सेंचुरी बी सी मगध वॉज रूल्ड बाय बिम्बिसारा एंड लेटर बाय अजत शत्रु बोथ इज रूलर्स वर लिबरल एंड टॉलरेंट दे टू वर फ्री फ्रॉम ब्राह्मनिक इन्फ्लुएंस एंड कंडेम सर्टन सोशल इवल्स इन दर किंगडम वेन द अपर्चुनिटी केम दे पेट्रइज बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म तो पॉलिटिकल सिचुएशन जो था वह एक और एक कारण था छठवें शताब्दी बीसी में मगध बिम्बिसारा मगध का राजा बिंबिसारा था उसके बाद में अजत शत्रु आए और ये दोनों जो जो रूलर्स थे काफ़ी लिबरल थे काफ़ी ओपन ख्याल के थे काफ़ी खुले ख्याल वाले थे और उन्हें भी जो ब्राह्मणिक कल्चर था उससे वो थोड़ा सा आ, नाराज थे उनके बहुत सारे जो नियम थे वो उनको पालन नहीं करना चाहते थे और जैसा इनको मौका मिला जैसा इनको मौका मिला उन्होंने जैनिज़म और बुद्धिज़्म को प्रमोट किया वह खुद जैनिज्म और बुद्धिज़्म को प्रमोट करने में अपने आप को भी हिंदुज़्म से कन्वर्ट करके जैनिज़म और जैनिस्ट जैन और बुद्धिस्ट बन गए अब छठवा जो मेन कारण जो है वो है एग्रीकल्चर और इकोनॉमी एकौन, उनके उनके पास जो पैसा जो आता था एग्रीकल्चर से किलिंग्स ऑफ एनिमल्स टू परफॉर्म सेक्रीफाइस वॉज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स इन द गैनजेटिक वैली द यूज ऑफ आयन हैड मेड द एनिमल ड्रॉन प्लॉइंग पॉपुलर सच फार्मर्स नीडेड अ रिलीजन दैट वुड गिव प्रोटेक्शन टू एनिमल्स बोथ जैनिज्म एंड प्रीच नॉन वायलेंस एंड वर अगेंस्ट एनिमल सेक्रीफाइस तो हिंदू धर्म में कई बार बलि देनी पड़ती थी आहूति देनी पड़ती थी बछड़े की बकरे की या बैल की कई बार आहूति देनी पड़ती कई बार उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता था अब किसान जो था वो अपने गाय से अपने बैल से बहुत प्यार करता था अपने बछड़ों से प्यार करता था तो चाहता था कि कुछ ऐसा धर्म मिल जाए जहाँ पर मुझे अपने जानवरों को बलि नहीं चढ़ानी पड़ेंगी तो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म ये अहिंसावादी धर्म थे दोनों में जानवरों की प्राण लेना ये सबसे बड़ा गुना माने जाना माने लगा तो लोग इसलिए भी जैनिज्म और बुद्धिज़्म को अपनाने लगे तो ये छः कारण थे जिसके जिसके वजह से जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का नया एक नए धर्म का उस जमाने में जन्म हुआ उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया है आगे हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जहाँ पर हम जैन्स के बारे में खास करके जानकारी पाएंगे डॉक्ट्रिन्स जैन के जो डॉक्ट्रिन्स है उसके बारे में और स्प्रेड ऑफ जैनिज्म इसके बारे में जानकारी पाएंगे फिर बाद में बुद्धिज़्म के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे सो स्टे एट होम एंड स्टे सेफ गॉड ब्लेस यू दिस ऑन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे